शांतिनगर दशहरा मैदान में तरुण डेल्टा फुटबॉल संघ द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी फुटबॉल समर कैंप का शुभारंभ किया गया है, जिसमें क्षेत्र के बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इस समर कैंप में फुटबॉल खेल की बारीकियों से खिलाड़ियों को अवगत कराया जा रहा है। फुटबॉल संघ द्वारा पिछले 23 वर्षों से समर कैंप लगाया जा रहा है। समर कैंप में बच्चों को विशेषज्ञों द्वारा कोचिंग भी दी जा रही है, जिसमें पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी व राष्ट्रीय रेफरी GGS पिल्लई इरशाद खान फुटबॉल खेलने वाले बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। इस मैदान के लिए 90 लाख रुपया घोषित किया है, इसको पूरा घास और लाइट से करने के लिए, और निगम में MIC में भी ये पास हो गया है। बहुत जल्दी ग्राउंड आपको हरा भरा दिखेगा लाइट से, और बहुत सुंदर दिखेगा आपको। राष्ट्रीय स्तर, इसके पूर्व भी राष्ट्रीय स्तर टूर्नामेंट होते रहे, और बन जाने के बाद में हम लोग फिर से उसके, मैं शासन को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस मैदान का घास और लाइट के लिए जो 90 लाख रुपये दिया है, मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ। GGS पिल्ले है, लोग मुझे नानू बोलते हैं। मैं 1976 से जिला स्कूल ज्वाइन किया, 1978 में मुझे वहाँ नौकरी मिली, उसके बाद मैं राष्ट्रीय स्तर खेला। उसके पश्चात मैं जब फुटबॉल, जब मेरी उम्र हो गई 87 की बात है, उसके बाद मैं नेशनल फुटबॉल में खेला, पहले जिला हुआ, फिर राज्य स्तर, फिर नेशनल फुटबॉल। जब ये स्टेडियम नहीं हुआ करता था, 1999 की बात कर रहा हूँ मैं, उस समय मैंने यहाँ चालू किया, फिर एक क्लब का निर्माण किया तरुण डेल्टा फुटबॉल संघ के नाम से, तो आज तक कायम है और आज तक चल रहा है। बच्चे जो है, कई बच्चे यहाँ से राष्ट्रीय स्तरीय खेले हैं, और आने वाले समय भी वो लोग, ये कोविड के कारण में हो गया था, वरना और भी बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, लड़कियाँ आती जरूर हैं, उनको हम लोग खिलाते जरूर हैं, पर मेरे पास लड़कियों की टीम नहीं है। सहयोग पहले तो हम लोग खुद अपने उससे ही करते थे, सारा चीज़ आज भी वैसे ही करते हैं, और मुरम का ग्राउंड है, देख ही रहे हैं, तो इसके कारण जो है बॉल ज़्यादा चलता नहीं है, एक बहुत बड़ी दिक्कत है। और यहाँ के समाज से भी लोग काफ़ी हेल्प करते हैं। तो प्रशासन अभी समर कोचिंग कैंप निगम की तरफ से लगा है, उन लोगों ने कुछ बॉल वगैरह, कोम्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे करके हमसे बोला था, कितना चाहिए करके ना, हमने बताया उनको, तो वो लोग उसको प्रोवाइड करेंगे। मेरा नाम सैयद अली है, और मैं इस ग्राउंड में बच्चों को फुटबॉल सिखाता हूँ, यही मेरा एक काम है। कई सालों से मैं फुटबॉल सिखाते हुए आ रहा हूँ, और ऊपर वाले की दया से काफ़ी बच्चे तैयार हुए, और कई लोगों ने, कई बैच बना चुका हूँ मैं, और हमारी कोशिश यही रहती है कि इतने बच्चे समर कैंप में आए तो उसमें कम से कम 8-10 बच्चे फुटबॉल खिलाड़ी बन के निकले, उसी को हम कैच करके फिर एक टीम तैयार कर देते हैं। बस यही है, बच्चे बहुत अच्छे हैं, बच्चे आते हैं सुबह 6 बजे, और उनके गार्जियन भी भेजते हैं, और बच्चे टाइम पर आते हैं, और जैसा हम बोलते हैं वैसा खेलते हैं, मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, और उनके गार्जियन से भी रिपोर्ट हमें मिलती है कि चलिए वो खेलने के बाद में आके घर में पढ़ाई भी करते हैं। बस मेरा तो कार्यक्रम आज 40 साल पहले से चल रहा है, और अभी भी इस समर कोचिंग कैंप में कुछ बच्चे निकलेंगे जो अच्छा खेल लेते हैं, उनकी एक टीम बना के हम तैयार करेंगे, और वो टीम फिर धीरे 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 तरक्की करते रहेगी। अभी छोटे बच्चे हैं, उनको कम से कम 7-8 साल प्रैक्टिस कराना पड़ेगा, तब एक मुकम्मल टीम बनेगी। कब से बेटा प्रैक्टिस करना है आप लोग? सर 2 साल हो गया। कैसा रिस्पांस है क्लब का? अच्छा है सर, अच्छा लग रहा है आप लोग खेलने में। क्या इसको बिकता है यहाँ से खेलने के बाद?